सरकार के एक साल पूरे होने पर आज मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, रैली को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली नगला चंद्रभान में शाम 4:30 बजे पीएम की रैली, रैली को लेकर बीजेपी ने जमकर तैयारियां की। रैली के लिए दीनदयाल धाम सज धज कर तैयार, यूपी बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर ने बताया ऐतिहासिक अवसर। यूपी में जरूर मतदाताओं को दो बार धन्यवाद देने गए हैं, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रम बड़ी रैली ये पहली बार हो रही है और मैं मानता हूँ रैली न भूतो न भविष्य दी ऐतिहासिक रैली होगी। गर्व के साथ हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, इस देश का नौजवान जो इस देश की तरक्की चाहता है, वो गर्व के साथ कह सकता है कि हमारी सरकार इस देश के गरीब आदमी के लिए समर्पित सरकार है और इसलिए एक हमने पवित्र स्थल का चयन किया है। मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी भी पीएम की रैली में रहेंगी मौजूद, मोदी को भेंट करेंगी कान्हा की मूर्ति। ये कृष्ण की नगरी है और मैं कृष्ण की नगरी के सांसद हूँ, तो मैं भगवान कृष्ण को ही उनको देंगे, उनका ही एक बहुत सुंदर सा मूर्ति मैं बना के दे रही हूँ। रैली से पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल जाएंगे प्रधानमंत्री, मोदी के दौरे को लेकर चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा। मोदी की रैली से पहले धमकी भरा MMS मिलने से हड़कंप, SP सिटी ने कहा प्रशासन पूरी तरह सतर्क। इस तरह की बात आई है, कोई मैसेज सर्कुलेट होने के, इस पे हमारी कार्रवाई चल रही है, हम इसको टैकल कर रहे हैं। आज तक से खास बातचीत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गिनाई सरकार की साल भर की उपलब्धियां, कहा दुनिया में मंदी लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी। भारत 7.5% से भी संतुष्ट नहीं है और लोगों को लगता है कि हमारी क्षमता इससे ज्यादा है। जेटली ने कहा मोदी सरकार बनने के बाद देश में उदासीनता का माहौल खत्म हुआ, फैसला लेने में आई पारदर्शिता। बीजेपी के अच्छे दिन के नारे पर बोले अरुण जेटली, कहा अच्छे दिन सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर देना, देश की लीडरशिप निर्णय ले, देश के अंदर इकोनॉमिक लिफ्ट अपलिफ्टमेंट के लिए काम हो, देश का भीतर और बाहर व्यवस्थाएं काम करें। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला हमला, आनंद शर्मा ने कहा सरकार बनने से पहले बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए थे, अब सच्चाई सबके सामने है। आनंद शर्मा ने कहा यूपीए सरकार की स्कीम का नाम बदलकर उसे चला रही है सरकार, लोगों के बीच अपनी उपलब्धि बता रही है। पिछली सरकार की उपलब्धियों को स्वीकार कर लें, शायद इनकी गलतियों को कुछ माफी मिलेगी। इन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का कार्टून वार, कानपुर में कार्टून प्रदर्शनी के जरिए मोदी के दावों पर किया तंज। तमाम मंत्रियों का प्रधानमंत्री पे विश्वास है और प्रधानमंत्री का ये दृढ़ संकल्प है कि वो हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के सपनों को पूरा करेंगे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आज बड़ा कार्यक्रम, केजरीवाल ने कनॉट प्लेस में बुलाई कैबिनेट की ओपन बैठक। सेंट्रल पार्क में होने वाली बैठक के लिए जमकर तैयारी, इनर सर्किल में 7, सेंट्रल पार्क में 3 LED स्क्रीन लगाए गए। सेंट्रल पार्क में केजरीवाल सरकार के मंत्री जनता से सीधे करेंगे संवाद, 100 दिन के कामकाज का देंगे लेखा जोखा। कनॉट प्लेस में हो रही कैबिनेट की बैठक में दिल्ली की जनता से मंत्रियों से सवाल पूछने का मिलेगा मौका, मीडिया को भी न्योता। सिर्फ संवाद है जनता के साथ, सभी मंत्री अपना अपना कार्यक्रम बताएंगे, हमने क्या किया है 100 दिन के अंदर, आगे हमारा क्या अभियान है, उसके लिए जनता के प्रश्न लिए। गृह मंत्रालय की जारी अधिसूचना को लेकर केंद्र दिल्ली सरकार में तनातनी जारी, डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा केंद्र दिल्ली की जनता से बदला ले रहा है। आज तक से खास बातचीत में बोले मनीष, अगर केजरीवाल को अपनी टीम नहीं बनाने का मौका दिया गया तो काम कैसे होगा। जैसे जनता के पास में नेता चल रहे हैं, अब उस नेता के पास अधिकार होना चाहिए कि वो अपने अधिकारी चुन सके, अपनी टीम बना सके। अगर आप किस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में अपनी टीम बनाने का हक नहीं दोगे
आप सारी तरफ से घेर लोगे, काम नहीं करने दोगे, तो फिर कैसे चलेगा? फिर सिसोदिया ने कहा, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला और एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली सरकार के अधीन हो। सिसोदिया ने कहा, एलजी नजीब जंग के साथ अच्छे रिश्ते, लेकिन केंद्र असंवैधानिक कदम उठाकर रिश्ते बिगाड़ने में लगा। केजरीवाल सरकार के 100 दिन पर बीजेपी ने जारी की बुकलेट, बुकलेट का नाम दिया आपका फरेब। बीजेपी के दावा, बुकलेट में आम आदमी पार्टी की खुलेगी पोल, वीआईपी कल्चर से लेकर फर्जी डिग्री का उठाया मुद्दा। उनका आम आदमी का आपका फरेब है, इसमें कुछ किया नहीं, इसलिए हमने आपको सारी डिटेल दी है। केवल हम विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, वास्तव में दिल्ली की जनता पूरा अपने आप को ठगासा महसूस कर रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा, आम आदमी पार्टी का सच सामने लाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। दिल्ली में एलजी सीएम विवाद पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केजरीवाल सरकार को दी सलाह, कहा गवर्नेंस का एजेंडा बनाए सरकार। सीएम एलजी के बीच जंग को कांग्रेस ने बताया नूरा कुश्ती, अजय माकन ने कहा सवालों से बचने के लिए दोनों ने शुरू किया विवाद। इससे बचने के लिए आपस में मिलकर के नूरी कुश्ती दोनों के दोनों मिलकर के आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि कोई उनसे प्रश्न ही ना पूछ पाए। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय का बयान, महिलाओं की सुरक्षा के लिए डीटीसी बसों में जल्द ही तैनात किए जाएंगे मार्शल। डीटीसी में मार्शल और सीसीटीवी कैमरा दोनों लगाने की प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है। अभी कुछ दिनों में ही होमगार्ड की और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से बसों में उनकी नियुक्ति का काम शुरू कर देंगे। दिल्ली के उत्तम नगर में पानी को लेकर हंगामा, मुख्यमंत्री केजरीवाल, स्थानीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी। कोल्हापुर में महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक खत्म, आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कार्यकारिणी में अमित शाह ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, बैठक में राज्य इकाई के सभी बड़े नेता हुए शामिल। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंत्रियों को सुनाया फरमान, विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए सभी को एक रात गांव में गुजारने को कहा। मुख्यमंत्री ने 23-24 को खुद दुमका के दो गांवों में गुजारी रात, ग्रामीणों के बीच रहकर सुनी उनकी समस्याएं। इस राज्य की आर्थिक व्यवस्था की एक हम कह सकते हैं गाड़ी को आगे बढ़ाने में एक पहिया का रूप पर्यटन भी इस झारखंड में विकसित होगा। तमिलनाडु में सत्ता संभालती एक्शन में जयललिता, गरीबों के लिए 100-201 अम्मा कैंटीन खोलने का ऐलान। रविवार होने के बावजूद सचिवालय पहुंची जयललिता, 1800 करोड़ के रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को दी हरी झंडी। सूट बूट में शपथ लेने पर पूछे सवाल पर भड़के छत्तीसगढ़ के नए मंत्री, सबके सामने दिया बेतुका बयान। सूट बूट क्या है, तो पहन कपड़ा है तो नंगा हो जाऊंगा, नंगा होकर शपथ लूं क्या? पश्चिम बंगाल में आसनसोल के जमुरिया में टीएमसी के दो गुटों में टकराव, दफ्तर खोलने को लेकर हुआ झगड़ा। आरक्षण पर राजस्थान सरकार से बातचीत, टूटने के बाद गुर्जरों ने 30 के आंदोलन, दौसा के सिकंदरा हाईवे को किया जाम। आंदोलनकारियों का हंगामा, रोडवेज गुमटी को किया आगे हवाले, कई वाहनों के तोड़े शीशे। आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जमकर मचाया हुड़दंग, जाम हटाने आए स्थानीय लोगों से भी की मारपीट। भरतपुर के पीलूपुरा में आंदोलन के चलते मुंबई दिल्ली रेलमार्ग चौथे दिन भी बाधित, आंदोलन की वजह से 5 ट्रेनें रद्द, दर्जनों का रूट बदला गया। आंदोलन की अगुवाई कर रहे कर्नल बैंसला ने कहा, आरक्षण की मांग पर किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं। महिला से बदसलूकी पर भड़की वेश्मी नेता साध्वी प्राची ने गाजियाबाद के थाने में जमकर किया हंगामा, भैंस लेकर पहुंची। साध्वी का आरोप, शिकायत लेकर थाने पहुंची महिला से पुलिस ने की बदसलूकी। ये पुलिस के अधिकारी, ये पुलिस के एक तरह से यूपी सरकार के पिट्ठू है और ये पैसे लेकर के इस बच्ची को मरवाना चाहते हैं, इस बच्ची के साथ गंदी हरकतें कराना चाहते हैं। नेपाल में भूकंप के झटकों के बाद पहाड़ों के टूटने से बंद हुआ काली गंडकी नदी का रास्ता, बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा।
नेपाल में गंडक बैराज में बने सभी 36 फाटकों को खोला गया। बिहार के पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर जिले में लोगों को खतरा। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में गर्मी का कहर जारी। रविवार को आंध्र में गर्मी से 20 और की मौत। दिल्ली में गर्मी का सितम जारी। रविवार को 43.5 डिग्री दर्ज हुआ अधिकतम तापमान। अगले 4 दिनों तक दिल्ली में भीषण गर्मी की चेतावनी। चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचने के लिए खास इंतजाम। बाघ पर प्रेशर पंप के जरिए की जा रही है पानी की बौछार। वाराणसी में गर्मी से लोग परेशान। 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा। घरों से निकलना हुआ मुश्किल। जम्मू कश्मीर में बारिश से बढ़ते तापमान पर ब्रेक। श्रीनगर में 20 डिग्री दर्ज हुआ तापमान। आज CBSE 12वीं के नतीजे। CBSE की वेबसाइट cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर आप देख सकते हैं अपना रिजल्ट। 27 मई को आएगा 10वीं का रिजल्ट। इस साल CBSE की परीक्षा में करीब 10 लाख छात्र हुए शामिल। शादी के बाद पहली बार अपनी बहन अर्पिता के ससुराल में दिखेंगे सलमान। आज हिमाचल के मंडी में रिसेप्शन। सलमान के पिता को छोड़ उनका पूरा परिवार होगा रिसेप्शन में शामिल। कई राजनीतिक हस्तियों के भी पहुंचने की उम्मीद। अर्पिता की कांग्रेस के नेता सुखराम के पोते आयुष शर्मा से हुई है शादी। रिसेप्शन के लिए सुखराम ने हिमाचल के CM उनके कैबिनेट के मंत्रियों को भेजा न्योता। इलाहाबाद में 11वीं की छात्रा से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला। दरिंदों ने जहर खिलाकर जौनपुर के जंगल में छोड़ा। छात्रा की हालत गंभीर। पुलिस ने 4 के खिलाफ दर्ज किया मामला। किसी की गिरफ्तारी नहीं। दिल्ली के सोनिया विहार में 3 अवैध गोदामों से शराब की 40 पेटियां जब्त। किसी की गिरफ्तारी नहीं। दिल्ली के अजमेरी गेट इलाके में शराब का ठेका खुलने पर भड़के लोग। स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। बिहार के झगड़िया में कोसी नदी में नाव डूबने से कई लोग लापता। रेस्क्यू में जुटे गोताखोर। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 800 रुपए के लिए युवक की हत्या। उधार नहीं चुकाने की सजा। घायल युवक को अस्पताल पहुंचाने की नहीं हुई कोशिश। 2 घंटे तक पंचायत बुलाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश। गुजरात के वडोदरा में हथियार के दम पर ज्वेलरी शॉप में लूट। 50 लाख से ज्यादा के जेवरात लेकर फरार। पहले ज्वेलरी खरीदने के बहाने दुकान में दाखिल हुआ बदमाश। बाद में अपने साथियों की मदद से लूटपाट की। राजस्थान के धौलपुर में दवा कारोबारी के घर लूटपाट। परिवार के लोगों को बंधक बनाकर लाखों की लूट। बिहार के कटिहार में 70 साल के शख्स पर नाबालिग से रेप का आरोप। लड़की के गर्भवती होने पर हुआ खुलासा। 13 साल की बच्ची पानी भरने आरोपी के घर जाती थी। पीड़ित परिवार का आरोप। पंचायत ने जबरन कराया गर्भपात। इंसाफ नहीं मिलने पर परिवार ने आत्महत्या की धमकी दी। पंजाब के नाभा में जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प। 3 के घायल होने की खबर। हरियाणा के फरीदाबाद में 9वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत। पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के हौस खास में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। कहा कॉलेज खुलने से इलाके में बढ़ेगी भीड़। फाइनल में चेन्नई को हराकर मुंबई बनी चैंपियन। दूसरी बार किया IPL पर कब्जा। कोलकाता के मुकाबले में मुंबई ने चेन्नई को 41 रनों से हराया। रोहित शर्मा बने मैन ऑफ द मैच। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने चेन्नई के सामने रखा 203 का लक्ष्य। चेन्नई की टीम ने 8 विकेट खोकर सिर्फ 161 रन बनाए। मुंबई के हीरो रहे रोहित शर्मा। सिर्फ 26 गेंदों में तूफानी अर्धशतक जड़ा। मुंबई के बल्लेबाज लंडन सिमंस ने खेली 68 रनों की पारी। पोलार्ड ने 18 गेंदों पर तूफानी 36 रन बनाए। मुंबई की तरफ से 3 विकेट लेकर मैक्सवेलन बने सबसे सफल गेंदबाज। मलिंगा हरभजन ने 2-2 विकेट लिए। चेन्नई की तरफ से सलामी बल्लेबाज ड्विन स्मिथ ने 57 रन बनाए। रैना ने 28 रन खेले। फाइनल में धोनी का नहीं चला बल्ला। 18 रन बनाकर आउट। ब्रावो भी 9 रन बनाकर चलते बने। विजेता मुंबई को 15 करोड़ का चेक मिला। खिताब जीतने के बाद मैदान में खिलाड़ियों ने मनाया जश्न।
मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने सभी फैंस का किया शुक्रिया, साथ ही खिलाड़ियों की जमकर की तारीफ। कराची में रेस्टोरेंट के बाहर धमाका, धमाके में 3 की मौत, राष्ट्रपति ममनून हुसैन के बेटे के कातिल को उड़ाने की थी साजिश। धमाके में बाल बाल बचे राष्ट्रपति के बेटे सलमान, धमाके में राष्ट्रपति के बेटे की सुरक्षा में 4 पुलिस वाले घायल। अमेरिका के टेक्सास में तेज आंधी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, बचाव में जुटे राहत कर्मी की मौत। अधिकारियों के अनुसार तेज आंधी चलने से ह्यूस्टन में 41 घरों को नुकसान, कई के घायल होने की खबर। इथियोपिया में संसदीय चुनाव खत्म होने के बाद नतीजों का इंतजार, सत्ताधारी दल को भारी बहुमत के आसार।